और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद अब सरकार जल्द ही चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार अक्टूबर से चीनी मिलों को 50 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है और इसके बाद जनवरी फरवरी में घरेलू उत्पादन और कीमतों को देखते हुए आगे की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार सरकार गन्ने के उत्पादन को लेकर चिंतित है क्योंकि प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में मॉनसून में 43% कम बारिश देखने को मिली है। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि कई जगहों पर कवक रोग के कारण गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी उत्पादन में कमी देखने को मिली है और वहीं उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के अंदर कम उत्पादन की भरपाई होने की फिलहाल संभावना दिखाई दे रही है। जहां अच्छी बारिश हुई है और जलाशय भरे हुए हैं वहां अभी भी 2.5 महीने की खपत के बराबर है। साथ ही लेकिन अभी किसान कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। वहीं निर्यात फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के प्रबंधन का कहना है कि किश्तों में निर्यात की अनुमति देना सरकार का हमें समझ में आता है क्योंकि ये मिलों को नए साल के लिए उत्पादन शुरू करने से पहले अनुबंध करने में सक्षम करेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमें पहले ही बता दिया है कि मिलें अपने उत्पादन के 15% तक निर्यात अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकती हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मिले दो कारणों से जल्दी निर्यात शुरू करने की इच्छुक है। पहला ये कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक ब्राजील का चीनी सीजन अप्रैल से नवंबर तक है। यह भारतीय मिलों के लिए निर्यात के लिए एक सुविधा प्रदान कर सकता है। वहीं दूसरा कारण इसकी कीमतें हो सकती हैं क्योंकि दिसंबर डिलीवरी के लिए सफेद चीनी वर्तमान में लगभग $538 प्रति टन पर बोली जा रही है। ₹3500 की लागत, कारखाने से बंदरगाह तक परिवहन, स्टीव डोरिंग और हैंडलिंग में कटौती करना ₹35,500 प्रति टन की एक्स मिल कीमत में तब्दील हो जाता है। यह महाराष्ट्र की मिलों को एस ग्रेड चीनी की घरेलू बिक्री से मिलने वाला लगभग ₹34,000 से अधिक है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से चीनी का उत्पादन देखने को मिल रहा है, आगे चलकर सरकार हो सकता है कि चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।